हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अगस्तु लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज बेटा हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम के बारे में। ये सिंड्रोम है वेयर वुल्फ सिंड्रोम, जिसे हाइपर ट्राइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। स्क्रीन पे आपको इमेज भी नज़र आ रही होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के शरीर में नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा खतरनाक तरीके से हेयर ग्रो करने लगते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक ऐसा डिजीज़ है जो जेनेटिकल म्यूटेशन से कॉज कर रहा है। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही ये डिजीज़ जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले इंडिया में ये डिजीज़ मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में हुआ, और वहाँ पे एक 17 साल के लड़के को, जिसका नाम है ललित, उसको ये डिजीज़ हुआ है। इस डिजीज़ में आपको देखने को मिल रहा है कि जो पर्सन है जिसको ये डिजीज़ हुआ है, उसमें नॉर्मल कंडीशन से भी ज़्यादा हेयर ग्रो करती है। इवन हेयर्स जो होती है बॉडी के हर एक पार्ट्स में ग्रो करती है। ये डिजीज़ दो तरह की होती है, एक होता है कंजेनाइटल हाइपरट्राइकोसिस और एक होता है कंजेनाइटल हाइपरट्राइकोसिस टर्मिनलिस। कंजेनाइटल हाइपरट्राइकोसिस में जो पेशेंट होता है उसको जन्म से, बाय बर्थ से ही इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दूसरे वाले टाइप्स में देखने को मिलता है कि हेयर जो ग्रो है वो कंटिन्यू बनी रहती है। एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि इस डिजीज के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कैंसर, जैसे कुपोषण, जैसे कुछ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ड्रग, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इस तरह के कई सारे कंडीशंस जो हो सकते हैं वो कारण हो सकते हैं इस डिजीज के होने के पीछे। तो कैसा लगा बच्चों आज का ये टॉपिक, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।